बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें दोनों देशों की दोस्ती पर गर्व है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि हमें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का मौका मिला। आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है तो स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ भी है। इसी साल ही भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जातिर्पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती का यह वर्ष दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। विधानसभा की 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 और 126 सीटों वाले असम की 45 सीटों पर पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। बंगाल के 5 जिले बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम के साथ साथ पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर की 30 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। कुल 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के 30 में से 7 निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। बरसाना के राधा रानी मंदिर में लड्डूमार होली खेली गई, जहां एक साथ सैकड़ों लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। साफ है कि 2 गज की दूरी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। ऐसी लापरवाही से हमें बचना है और होली भी घर में रहकर ही खेलना बेहतर होगा। और अब एक अच्छी खबर। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुल गया है। ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप फेस्टिवल जरूर देखें। इस फेस्टिवल में लोग 64 किस्म के 15 लाख से ज्यादा फूल देख सकेंगे। डल झील किनारे ट्यूलिप गार्डन में एंट्री से पहले सभी पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। खाने पीने की चीजें और प्लास्टिक सामान ले जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन प्लास्टिक फ्री जोन है। जिंदगी नीरस हो गई हो तो आप कश्मीर के इस ट्यूलिप गार्डन में हो आइए। साल में केवल 1 महीने के लिए श्रीनगर में बना ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोला जाता है, लेकिन इसके चाहने वाले पूरे साल इसका इंतजार करते हैं। बर्फबारी के बाद ट्यूलिप गार्डन और बादाम बारी में फूल खिलना कश्मीर में बसंत की शुरुआत माना जाता है। और यकीन मानिए, कश्मीर का बसंत ही उसे स्वर्ग बनाता है। ये तस्वीरें ही देख लीजिए। कहते हैं कि फूलों का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि उसके रंग मन को शांति देते हैं। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से ट्यूलिप गार्डन को बंद रखा गया था, लेकिन इस बार इसे आम लोगों के लिए 25 मार्च से खोला जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इस बार 15 लाख से ज्यादा फूल नजर आएंगे। इन ट्यूलिप पर दिख रही बूंदें बारिश की वजह से है, जो इसे और खूबसूरत बना रही है। लेकिन तेज बारिश हुई तो ट्यूलिप गार्डन आने वाले लोगों का मजा किरकिरा हो सकता है। ट्यूलिप गार्डन का रखरखाव करने वाले मानते हैं कि इस बार बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे, क्योंकि पिछले साल ये गार्डन कोरोना महामारी की वजह से बंद रखा गया था। इसी वजह से यहां के माली बागबानी में लगे हुए हैं। आमतौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते से होने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल में गार्डन को खोला जाता है, लेकिन इस बार 1 हफ्ते पहले ही इसकी शुरुआत की जा रही है। कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में 10 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल भी होता है, जिसको बहारे कश्मीर कहा जाता है। इस फेस्टिवल में पारंपरिक संगीत और कला का संगम होता है। ट्यूलिप गार्डन भले ही आम लोगों के लिए खोला जा रहा हो, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कई गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। सैलानियों को इनका पालन करना होगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।